हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मिल्टन का रॉयल लंच बॉक्स, जो कि दो वेरिएंट में आता है, एक 3 कंटेनर में आता है और एक 4 कंटेनर में आता है। चलो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा लंच बॉक्स है, स्टेनलेस स्टील बॉडी के अंदर है ये लंच बॉक्स। रॉयल नाम रखा है कंपनी ने, तो रॉयल लंच बॉक्स ही है ये। इस टाइप से हैंडल है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कैरी भी कर सकते हैं। एंड अपर की तरफ कंपनी ने एक स्पून दिया हुआ है, इस टाइप से स्पून का केस दिया हुआ है मिल्टन ने। और बहुत अच्छा है, इसमें 450 ml के 3 कंटेनर्स दिए हुए हैं लिफ्टर के साथ। और इसका जो लिड है वो भी स्टेनलेस स्टील का ही दिया हुआ है कंपनी ने। काफ़ी स्पेसिफ है और काफ़ी लंच आ जाएगा। इवन 3 वाले में 2 बंदों का लंच आराम से आ सकता है। अगर ऑफिस में 2 जने जा रहे हैं तो फैक्ट्री में भी आप यूज़ कर सकते हैं इस लंच बॉक्स को। अब हम बात करते हैं 4 वाले की। इस टाइप से 4 वाला लंच बॉक्स है ये, इसमें 4 कंटेनर्स हैं। सेम हैंडल इसमें भी दिया हुआ कंपनी ने, सेम स्पून है इस टाइप से स्टेनलेस स्टील का। एंड 4 कंटेनर्स हैं इसके अंदर इस टाइप से, और सेम स्टेनलेस स्टील का ही लिड है। काफ़ी प्यारे लंच बॉक्स हैं ये दोनों मिल्टन की तरफ से। और अब हम इसकी बात करते हैं MRP की, तो कंपनी ने इसकी MRP रखी है 1550 रुपये, जो 4 वाले की है। और 3 वाले की जो MRP रखी है 1330 रुपये रखी है। और इसके अंदर खाना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक गर्म भी रहता है, कंपनी ने लिखा हुआ है इसमें। इंसुलेटेड लंच बॉक्स है। और अगर आप इस लंच बॉक्स को खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। राधे राधे।